Hello everyone, this is Ishwar Kumar Kandu. I have secured 187 rank in Civil Services 2017. This was my fourth attempt and I am here to share my journey for history optional in which I got 316 marks in this attempt, which is probably the highest. I am basically an engineer, an electronics and instrumentation engineer. Currently I am working in Steel Authority of India Limited in its Rourkela unit. The motivation behind the preparation of UPSC came during the engineering days when I came across the toppers interviews, some tragic incidents in society. Then I started reading newspaper and thinking about this preparation. And regarding optional, although I was sure that I have to take history because I have a genuine interest in this subject, but after completing my graduation, when I started my preparation, then एक misconception आया मेरे दिमाग में that history being a large subject, it's not feasible for a working professional like me. So इस सोच के साथ, इस thought process के साथ मैंने अपने optional को change किया, geography लिया. But again after 1.5 year की preparation के बाद मुझे समझ में आ गया कि it is not my cup of tea, ये मुझसे नहीं हो सकता इसमें. तो अगेन मैंने अपने 2016 के अटेम्प्ट में हिस्ट्री के ऊपर स्विच किया. सिंस मेरा इसमें इंटरेस्ट था और हिस्ट्री में स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी, गाइडेंस की अवेलेबिलिटी और एक जो सेट पैटर्न ऑफ सिलेबस होता है, ये इस ऑप्शनल को काफ़ी यूनिक बनाता है मेरे हिसाब से, और इसीलिए मैंने इस ऑप्शनल को सिलेक्ट किया डिस्पाइट बींग एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर. सो इन 2016 मैंने कुछ 4-5 गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे नहीं आए. मेरे आई गॉट ओनली 219 मार्क्स इन दैट अटेम्प्ट. इन पेपर वन आई गॉट ओनली 97 एंड इन पेपर टू 122. सो हियर आई वुड लाइक टू शेयर व्हाट मिस्टेक्स आई डिड एंड व्हाट रेक्टिफिकेशन आई डिड इन दिस ईयर्स अटेम्प्ट विच फेस्ड मी द गुड मार्क्स. तो फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर इज रिवाइजिंग द सिलेबस. इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट आई कुड नॉट रिवाइज द सिलेबस, जो कि मैंने इस बार उस गलती को सुधारा. प्रीलिम्स से पहले ही मैंने एटलीस्ट 2 बार अपने सिलेबस को रिवाइज किया. उन सिलेबस में आपके जो बेसिक बुक्स या जो नोट्स हैं, जो क्लासरूम नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आप जो लेते हैं, वो जो कि सबको पता है, काफ़ी टॉपर्स ने बताया है, अब मैंने उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो किया. सेकेंड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग में मैंने क्या क्या काम किया इसके रिगार्डिंग अभी मैं आगे बताऊँगा. थर्ड थिंग इज ज्वाइनिंग अ टेस्ट सीरीज. मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, जैसा कि मैंने बताया कि आई कुड नॉट एबल टू कंप्लीट इवन द सिलेबस. सो आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज का कोई सवाल ही नहीं उठता. बस इस टाइम मैंने जीएस कोर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की एंड आई हैव टू से दैट इट वॉज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी, स्पेशली द फैकल्टी देयर. पीयूष सर, ही प्रोवाइडेड अस पर्सनल अ काइंड ऑफ 1-to-1 इंटरेक्शन, पर्सनल गाइडेंस एंड स्पेशल डाउट रिमूवल सेशन, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा. तो ऑल आई वॉन्ट टू से दैट एनी टेस्ट सीरीज, बट द फैक्टर लाइक द पर्सनल अटेंशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन, जिसने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प किया. तो इसके बाद आफ्टर आंसर राइटिंग, आफ्टर द टेस्ट सीरीज, द फोर्थ थिंग विच आई डिड इन प्रैक्टिसिंग मैप्स. लास्ट इन माई लास्ट अटेम्प्ट आई कुड हैव ओनली सॉल्व ओनली 10-to-11 क्वेश्चन आउट ऑफ 20. सो इस बार मैंने मैप पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दिया. मैप्स के लिए मैंने सबसे पहले जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, लाइक उपिंदर सिंह, आप स्पेक्ट्रम का स्पेशल हिस्टोरिकल एटलस ऑफ इंडिया, मैंने उन बुक से पीरियड वाइज टॉपिक्स को उठाया एंड आई बॉट सम ब्लैंक मैप्स फ्रॉम द मार्केट एंड जीएस कोर के जो टेस्ट मटेरियल थे, सेल्फ स्टडी के जो टेस्ट मटेरियल थे, उनसे मैंने मैप्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चालू कर दी उन ब्लैंक मैप्स पे. सो उन ब्लैंक मैप्स पे प्रैक्टिस करने का मुझे डबल फायदा हुआ. फर्स्ट वन की आई वॉज एबल टू रिमेंबर ऑल द इम्पॉर्टेंट साइट्स पीरियड वाइज, एंड सेकेंड थिंग वाइल राइटिंग द आंसर्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल आई वॉज एबल टू कनेक्ट दोज आंसर्स विथ मैप. किसी भी आंसर में मैं बहुत ईजिली मैप बना के उसको समझा देता था, तो इसका फ़ायदा मेरी आंसर राइटिंग में हुआ. तो ये एक चौथा चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री राइटिंग हिस्ट्री में किया, जो कि मैप की प्रिपरेशन. द फिफ्थ थिंग जो कि मैं बताना चाहूँगा रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग में पिछले पार मैंने जो गलतियाँ की थी कि पहली तो मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी, और जो थोड़ी बहुत की भी थी वो भी हाफ हजार्ड ली थी. तो दिस टाइम व्हाट आई डिड, द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. लाइक इन हिस्ट्री आंसर राइटिंग सबसे पहले
वी नीड टू मेंशन द पॉइंट्स लाइक सोर्सेज, हिस्टोरियोग्राफी, कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, देन कीवर्ड्स. तो मैं इन पॉइंट पे आना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल, हम हिस्ट्री के जब आंसर्स लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है, तो इंट्रोडक्शन जो 3 या 4 लाइंस का होता है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द सोर्सेज. फॉर एग्जांपल, लिटरेरी सोर्सेज हो गए, आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज हो गए, आपके न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज हो गए, दैट आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माई आंसर्स. दीज थिंग्स आई लर्न फ्रॉम द फैकल्टी. द सेकेंड थिंग विच आई डिड इज मैंशनिंग द नेम ऑफ हिस्टोरियंस. फॉर एग्जाम्पल, इन हिस्ट्री वी सी देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स, नेशनलिस्ट स्कूल्स, एंग्लिसिस्ट स्कूल्स, मार्क्सिस्ट एंड सबॉल्टर्न. सो वॉट आई डिड, आई जस्ट ट्राइड टू रिमेंबर द नेम ऑफ 1 or 2 फेमस हिस्टोरियंस ऑफ डिफरेंट स्कूल्स एंड वॉट इज द डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग डिफरेंट इशूज. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से रिगार्डिंग द 18th century, whether it was a golden age or not, गुप्ता पीरियड, सो नेशनल स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यू हैं, मार्क्सिस्ट के अलग हैं, आपके एंग्लिसिस्ट के अलग हैं. तो इन सारे डिफरेंट व्यूज को आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माई आंसर्स. द थर्ड थिंग विच आई डिड इज यूज ऑफ मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट. क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे आंसर, क्योंकि कंटेंट तो सबको पता होता है, बट मेरे आंसर्स, मैंने अपने आंसर्स में क्या ट्राई करने की कोशिश की जो कि डिफरेंट लगे बाकी लोगों से. तो यूज ऑफ मैप्स, मैंने सिंस मैप की प्रैक्टिस की थी, तो जिस भी क्वेश्चन में स्कोप होता था मैं उसमें मैप्स बनाता था. जहाँ पे स्कोप होता था फ्लो चार्ट बनाना है, वहाँ पे मैं फ्लो चार्ट बनाता था. द फोर्थ थिंग विच आई डिड इज यूज ऑफ कीवर्ड्स. हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जरूरी है कीवर्ड्स का. फॉर एग्जांपल, इफ एक क्वेश्चन था टेस्ट में महाजनपदा पीरियड, तो महाजनपदा पीरियड की बात करी जाए तो वहाँ कुछ कीवर्ड्स है लाइक हेट्रोडॉक्स, राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, एग्रीकल्चरल सरप्लस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. तो आई जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज कीवर्ड्स इन माई आंसर्स सो दैट कि माई आंसर लुक एनरिच्ड. कि यस, उस पीरियड की स्पेसिफिक जो चीज़ें थी वो मैंने ट्राई की उसको डालने की. द फिफ्थ थिंग इज यूज ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज. एज वी सी इन हिस्ट्री, द पीरियड वाइज, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट मौर्यन पीरियड टू गुप्ता पीरियड, सल्तनत पीरियड टू मुगल पीरियड, हर पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं. कुछ कंटिन्यूटी वाली चीज़ें होती हैं जो कि उस पीरियड में थी, इस पीरियड में भी हैं, कुछ चेंजेस होती हैं. तो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज आस्पेक्ट्स कि हाँ, इस पीरियड में ये पॉइंट्स थे जो कि चेंज होते थे, जो होते थे, एंड इस पीरियड में जाके ऐसा हो गया. तो इसे हमारा आंसर काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल लगता है एंड डिफरेंट लगता है काफ़ी लोगों से. तो ये एक चीज़ मैंने की. एंड द लास्ट पॉइंट विच आई डिड इज़ रिगार्डिंग कंक्लूजन. इसके बारे में आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक एक्चुअली, बट व्हेन आई ज्वाइन द टेस्ट सीरीज आई गॉट दिस सजेशन फ्रॉम द फैकल्टी दैट एंड विच आई ऑल्सो एक्सेप्ट. मतलब मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हिस्ट्री में किसी भी चीज़ का कोई कंक्लूसिव चीज़ नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है. फॉर एग्जांपल, कुछ एंशियंट टॉपिक्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल हड़प्पन डिक्लाइन से रिलेटेड इशू या आर्यंस माइग्रेशन, वी नेवर नो कि एक्चुअल में क्या हुआ था. इस पर अभी भी डिबेट चल रही है. तो हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप करने की आदत होती है जो कि हम जीएस पेपर में करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में हमें थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में देना है. तो मैंने इस चीज़ को ही ज़्यादा ध्यान में दिया एंड इन सम स्पेसिफिक क्वेश्चन आई मेड द कंक्लूजन ओपन एंडेड. सो दिस वॉज माई स्ट्रेटजी रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑप्शनल. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन पेपर 2 आई ऑल्सो फॉलोड द बेसिक बुक्स, द स्टैंडर्ड मटेरियल्स एंड इन नोट्स मेकिंग आई जस्ट मेड द नोट्स ऑन द मार्जिन ऑफ द बुक्स एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माई प्रिंटेड नोट्स ऑफ कोचिंग मटेरियल्स. तो यही स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की एंड दैट हेल्प मी टू फेच गुड मार्क्स. आई गॉट 160 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 156 मार्क्स इन पेपर 2. सो दैट वॉज माई जर्नी फ्रॉम 219 टू 316. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.